हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो रहमान है उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या दिया गया है, तो पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा कि लेट एज्यूम प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ओके, तो रहमान की प्रेजेंट एज हमें लेट करनी पड़ेगी, तो कितनी है, एक्स ईयर। अब आगे क्या दिया गया है कि रहमान की 3 इयर्स अगो, तो 3 इयर्स अगो एज ऑफ रहमान तो कितनी हो जाएगी, जो प्रेजेंट है एक्स, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, 3 इयर्स माइनस हो जाएगी, क्योंकि 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी। तो अभी जो एज है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 साल माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी जो एज है उसकी, उससे 5 इयर्स बाद में, मतलब कि आफ्टर 5 इयर्स कितनी होगी, तो 5 इयर्स आफ्टर एज ऑफ रहमान, तो अभी उसकी एक्स ईयर्स है, तो 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। ओके, सपोज कि अभी उसकी 10 इयर्स है, तो 5 साल के बाद कितनी होगी, 15 हो जाएगी। तो हमारा जो एक्स है उसके अंदर 5 इयर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल, किसका सम, तो 3 इयर्स अगो और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, उसकी एज जो 3 इयर्स अगो है उसका रेसिप्रोकल, मतलब सम करना है। तो रेसिप्रोकल मतलब 1 के अपॉन में लिखेंगे हम, प्लस रेसिप्रोकल कर देंगे 5 इयर्स, इन दोनों का रेसिप्रोकल करने से हमें आंसर क्या दिया गया है, 1/3। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3 इयर्स अगो एंड रेसिप्रोकल ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो वो कितना दिया गया, 1/3। तो प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है, तो प्रेजेंट एज मीन्स एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो वही का वही रहेगा। देन यहाँ पे प्लस है और एक्स माइनस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब वहाँ पे भी कोई चेंज आएगा नहीं, और यहाँ पे प्लस की साइन है तो ये साइन भी चेंज होगी नहीं, डिवाइड बाय इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 1/3, एक्स प्लस एक्स 2x, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, और देन एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, देन एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब माइनस 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो माइनस 50, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 3, तो 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 3 यहाँ पे डिनोमीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, तो 3 2 6x प्लस 3 2 6, और यहाँ पे ये 1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे उसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके, ये दोनों उस साइड पे ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बाजू में ये 6x ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6x, माइनस 15 के बाजू में क्या ले जाएंगे, ये प्लस 6,
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या आंसर रहेगा हमारा, एक्स स्क्वेयर टू एक्स सिक्स एक्स में से माइनस हो जाएगा तो माइनस फोर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 मतलब 21। अब हमें 21 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं मतलब 4 आना चाहिए। अब हमें पता है कि 21 मतलब 7, 3 सा 21 और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो भी हमारा 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन है वो 7 के आगे रहेगा और उसके बाद सोचेंगे यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। माइनस करना है मतलब यहाँ पे दूसरी साइन कौन सी आएगी, अपोजिट साइन आएगी। ओके, तो अब ये माइनस फोर फोर एक्स की जगह पे हमारे दो फैक्टर ये हो जाएंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। पेयर बन जाएगी, कॉमन आ जाएगा, कॉमन कितना आएगा x, तो दूसरे ब्रैकेट में कितना रहेगा x माइनस सेवन, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो वहाँ पे भी क्या रहेगा x माइनस सेवन। तो कॉमन ब्रैकेट क्या है x माइनस सेवन, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या रहेगा जो यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस सेवन इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और x यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब एज कभी माइनस तो हो सकती नहीं है, इसका मतलब इसको हम काउंट करेंगे नहीं। तो हमारी आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर तो रहमान, देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स। ओके, नेगेटिव एज में काउंट होगा नहीं, क्योंकि एज किसी की भी नेगेटिव होती नहीं है। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।